भोभी गांव में बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने किया चोरी। दो रात में 7 व्यक्ति के यहां हुई चोरी। हम आपको बता दें कि रविवार की रात्रि में नगरनौसा थाना क्षेत्र के भोभी गांव में एक बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने प्रवेश किया और घर में रखे हुए 2 जोड़ा पायल, 2 जोड़ा कनवाली, मंगलसूत्र, खाना बनाने वाला बर्तन एवं अन्य सामान की चोरी किया है। बता दें कि यह घर सिकंदर बिंद का है, जो कि अपने परिवार के साथ कहीं रिश्तेदार के यहाँ गए थे। सोमवार की सुबह सिकंदर बिंद के भाई खलेसर बिंद जब देखा कि घर का ताला टूटा है और घर में चोरी हो गई है, इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दिया है। बता दें कि इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार प्रखंड क्षेत्र में बढ़ते ही जा रहा है। भोभी बाजार में शनिवार की रात्रि में 2 गुमटी 3 दुकान से चोरी हुआ है, जबकि शनिवार की रात्रि में ही सकड़ोड़ा गाँव में एक पशुपालक के यहाँ 3 भैंस की चोरी हुआ है। सिर्फ 2 रातें में पशुपालक, 2 गुमटी 3 दुकान, अब एक बंद घर में ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी किया है। प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि पुलिस की गश्ती नहीं होने के कारण चोरों का मनोबल बढ़ते ही जा रहा है। तभी तो 2 रातें में 7 व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गया है। इस इलाके में लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। नाम आपका क्या हुआ? खलेसन बिंद। और घर होकर भैया घर है, मैंने उनका नाम क्या हुआ? सिकंदर बिंद। कल घर में कोई नहीं थे? रात में नहीं थे। चोरी कैसे हुआ? चोरी ताला थोड़ा काट के ताला अगला। और पेटी में से कौन कौन सामान गया आपका? दो जोड़ा कमाई था, हाँ, 2 जोड़ा पायल था, हाँ, 2 जोड़ा मंगलसूत्र था, और कुछ कुछ हरी लोटा था, हरी लोटा और सके बिना जो था बर्तन था सब बाहर से बिक गया था। खेत में बर्तन बाहर कहाँ बिका हुआ? कोई बगड़े नहीं। और कौन कौन सामान गए? चोरी चोर लेके गया ना जो होते सामान लेके। पता कैसे चलो कि चोरी हो गई मेरे घर जी? बीने सुबह में आए, सुबह ने अजय में टावर वाला कह रहा है कि 10 बजे का 10 बजे कमाई खुला था। प्रशासन के फोन आप किए थे जी? बीने किए हैं, बहुत ही देर पहले किए हैं। अच्छे सरपंच में सरपंच का आप फोन करेंगे तो नहीं होगा। प्राथमिकी दर्ज करे ला कहा तुम कि मैंने आवेदन देवे ला? आवेदन देवे ला आप कहते हैं कि आवेदन दीजिए, ये कह रहे ना कि आवेदन दीजिए। हाँ